दोस्तों, मनरेगा के काम में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं BFT यानी कि बेयर फुटेड टेक्नीशियंस, जो कि कई राज्य में ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BFT यानी बेयर फुटेड टेक्नीशियन कैसे नियुक्त होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका तनख्वाह कैसे मिल सकता है, ये सारे डिटेल्स मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो BFT की गाइडलाइंस मनरेगा की एनुअल मास्टर सर्कुलर 2021-22 में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज, यहाँ पे जो कॉन्टेंट टेबल है, यहाँ पर देखिए चैप्टर 16 में आपको BFT के संबंधित सारे जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 16, आपको यहाँ पे BFT के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 134 पेज पे सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर महात्मा गांधी नरेगा। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे देखिए बेयर फुट टेक्नीशियन मतलब कि BFT। सबसे पहले देखिए बेयर फुट टेक्नीशियन यह क्या है, मतलब कि एक इंट्रोडक्शन है। इज एन एडुकेटेड पर्सन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द लोकल महात्मा गांधी नरेगा वर्कर हाउसहोल्ड्स और फ्रॉम अमंग द मेट्स और सुपरवाइजर्स एंड स्पेशली ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स यूजिंग द कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल। मतलब कि गांव का जो जॉब कार्ड होल्डर से उन्हीं में से जो शिक्षित वर्कर से उनमें से ही BFT का चयन होने वाला है या फिर होता है। साथ ही जो मेट्स यानी सुपरवाइजर से उनसे भी मेट का चयन हो सकता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा बहुत कस्टमाइज मतलब कि परिचित होंगे ट्रेनिंग द्वारा। तो ट्रेनिंग के बाद ही उनको BFT पद में काम दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी मतलब कि क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे आप देख सकते हैं शैल बी फ्रॉम एन एक्टिव शुड हैव वर्क्ड इन फिनेंशियल करंट फिनेंशियल ईयर एंड इन द लास्ट 2 फिनेंशियल ईयर्स। मतलब कि एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर होना चाहिए जिन्होंने इस साल या फिर इस साल सहित पिछले 2 साल में काम किया है वर्कर हाउसहोल्ड्स मेट सुपरवाइजर GRS। तो हाउसहोल्ड्स वर्कर हो सकता है, मेट हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, GRS भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए शैल हैव 10th स्टैंडर्ड एजुकेशन एट मिनिमम, नेम शुड बी इन द जॉब कार्ड ऑफ द हाउसहोल्ड। मतलब कि कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साथ ही जॉब कार्ड में उनका नाम भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन कहाँ से उनको चुना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पंचायत मिलाकर भी एक BFT का चयन हो सकता है। साथ ही एक पंचायत में कौन सा BFT कौन से पंचायत में काम करेंगे ये भी स्टेट या फिर प्रोग्राम ऑफिसर ही चयन करेंगे। उनके हाथ में ही सारे ऑथराइजेशन है, वही आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ BFTs फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए कैसे चुना जाएगा, कैसे उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टेट गवर्नमेंट शैल अडॉप्ट एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी टू पॉपुलराइज द प्रोजेक्ट अमंग द महात्मा गांधी नरेगा हाउसहोल्ड। मतलब कि सारे वर्कर्स में इसको प्रचार करना होगा सबसे पहले कि उनको BFT में भर्ती लिया जा सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। उसके बाद देखिए ऑल एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हाउसहोल्ड्स इन द ब्लॉक शैल बी लिस्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ डेज वर्कड इन महात्मा गांधी नरेगा ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब कि इस साल जो जो हाउसहोल्ड ने काम किया है उनका एक लिस्ट तैयार करना होगा, उनमें से सबसे पहले रहेंगे जो सबसे ज़्यादा दिन काम किया है, उसके बाद उससे कम ऐसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिस्ट किया जाएगा और उसी हिसाब से उनका
चयन किया जाएगा अगर वो एलिजिबल है तो। उसके बाद देखिए, ऑल विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द एक्टिव वर्कर हाउस होल्ड विल बी शॉर्टलिस्टेड। फिर उनमें से जो एलिजिबल है, साथ ही जो एडुकेटेड है और जो चाहते हैं बीएफटी के तौर पे काम करना, तो वो उनको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स एटलीस्ट 3 times ऑफ द बीएफटी टारगेट। मतलब कि अगर हमारे ब्लॉक में अगर 10 बीएफटी का एंगेज होने वाला है, तो हमसे कम से कम 30 बीएफटी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना होगा। कंडक्ट प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्राइमरी टेस्ट हो सकता है, उससे ही उनका चयन होने वाला है कि वो आगे ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे उनका ट्रेनिंग के लिए चयन होने वाला है। मिनिमम यहाँ पे देखिए 40% मार्क्स उनको लाना होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इस तरीके से उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स इज टू बी इंश्योर्ड, मतलब उनको प्रेफर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कस्टमाइज्ड मॉड्यूल, मतलब कि उनको ट्रेनिंग जो दिया जाएगा उस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ रहेगा, ये भी यहाँ पे ट्रेनिंग गाइड का भी एक अलग से गाइडलाइंस है मंडल की पोर्टल में, वहाँ से ट्रेनिंग गाइडलाइंस के बारे में पूरा डिटेल्स को डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट सो आइडेंटिफाइड शैल बी स्पॉन्सर्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट विद अ कमिटमेंट टू अपॉइंट द पर्सन एज बीएफटी। मतलब कि जो जो ट्रेनिंग किया जाएगा, वो ट्रेनिंग में अगर खड़े उतरते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम में अगर पास करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बलबूते पे वो बीएफटी के तौर पे उस ब्लॉक में किसी भी जीपी में यानी ग्राम पंचायत में एंगेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट द ट्रेनर्स एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो ट्रेनिंग देंगे उनको, उनका भी क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे ज़रूरत होगा, उसका भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो ट्रेनिंग और ट्रेनर का गाइडलाइंस एक अलग से गाइडलाइंस है, वो उसका भी पूरा डिटेल्स मनरेगा की पोर्टल में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। ट्रेनर्स का लिस्ट भी वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सर्टिफिकेशन। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सारे स्किल टेस्ट होगा, एक एग्ज़ाम के बाद अगर आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो NSQF लेवल 4 का एक कन्फर्मिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बलबूते पे आप बतौर BFT आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट, कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए उनका एंगेजमेंट प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा ही किया जाएगा। उनके जुरिस्डिक्शन में कितना स्कोप है, कितना पोस्ट वैकेंट है BFT के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए उनका एम्प्लॉयमेंट होगा। उसके बाद देखिए क्या क्या कॉपी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना होगा ज्वाइनिंग से पहले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले BFT सर्टिफिकेट इशूड बाई NSDC ASCI कन्फर्मिंग टू द NSQF लेवल 04। उसके बाद 10+ सर्टिफिकेट, उसके बाद महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना होगा। फिर देखिए रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, BFT शैल बी रिपोर्टिंग टू GTA, TA, JEE और एनी अदर पर्सन सुपरवाइजिंग द टेक्निकल वर्क एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिसको भी जो ऑफिशियल्स को टेक्निकल वर्क देखभाल के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया है, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे BFT। उसके बाद देखिए वर्क इंटरेस्टेड टू BFT, मतलब कि ये मेन पॉइंट है BFT को क्या क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए SS, TA, JEE, आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड वर्क अंडर महात्मा गांधी नरेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क टू बी टेकन अप अंडर महात्मा गांधी नरेगा, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन इंफॉर्मेशन, लैंड यूज ओनर
ये सब मतलब कि जो काम शुरू होने जा रहा है या फिर प्रपोज किया गया है उसके बारे में सारे डिटेल्स इकट्ठा करना, ये एक उनका एक काम है जो कि वो टीए जेई या फिर एई को सहायता करेंगे। उसके बाद देखिए असिस्ट टीए जेई एई इन टेक्निकल सर्वे एंड सेटिंग आउट द वर्क्स प्लानिंग, मतलब कि जो जो वर्क प्लानिंग एस्टिमेटिंग इन सारे कामों में टीए जेई या फिर असिस्टेंट इंजीनियर उनको सहायता करेंगे। उसके बाद देखिए असिस्ट टीए जेई एई इन ओपनिंग द वर्क ऑन एडवाइस फ्रॉम द जीपी बाय हेल्पिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल दैट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड लेबर इनपुट एंड अपडेट द सेल्फ ऑफ वर्क, मतलब कि ये सभी कामों में सहायता करेंगे टीए जेई या फिर असिस्टेंट इंजीनियर को सहायता करेंगे काम को शुरू करने में प्रॉपर प्लानिंग में ये सहायता करेंगे। उसके बाद आप डी पॉइंट पे देख सकते हैं असिस्ट टीए जेई एई इन सुपरवाइजिंग द वर्क एंड वर्कसाइट मैनेजमेंट बाय इंश्योरिंग दैट ऑल अप्रोप्रिएट वर्कसाइट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एंड इंश्योरिंग टाइमली मेजरमेंट ऑफ वर्क, मतलब कि वर्कसाइट को मैनेज करने में सुपरवाइज करेंगे पूरे काम को, साथ ही टाइमली मेजरमेंट भी उनको करना होगा। उसके बाद ई पॉइंट पे आप देख सकते हैं असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स अंडर महात्मा गांधी नरेगा, मतलब कि एक वर्क फाइल में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने में सहायता करेंगे, साथ ही जो 7 रजिस्टर है या फिर और भी जो रजिस्टर्स होते हैं उनको भी मेंटेन करने में सहायता करेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पेमेंट उनको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बीएफटी का जो पेमेंट रेमुनरेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा जो उनको ठीक लगता है। यहाँ पे उसके बाद लिखा है एज द बीएफटीज आर स्किल्ड पर्सन द पेमेंट शुड बी एज स्किल लेवल, मतलब स्किल लेवल के जितने ही उनको पेमेंट मिलने वाला है, साथ ही स्कीम के जो मटेरियल कंपोनेंट है उनमें से ही उनका पेमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक एस्टिमेट में ही उनका जो सैलरी है या फिर रेमुनरेशन है उसको कैलकुलेट कर कर ही एस्टिमेट तैयार करना होगा और स्किल लेवल के जितना ही उनको पेमेंट मिलेगा पेमेंट प्रोसेस विल बी सेम एज इन केस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स। तो ये था बीएफटी एंगेजमेंट, उनका एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये सब, उनका काम क्या होगा, उनका पेमेंट कैसे मिल सकता है, ये पूरा गाइडलाइंस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।